हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। शुरुआत करते हैं। पिछले टर्न पे मैंने आप लोगों को बताया था कि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में कैसे रिलेशन डेवलप किया जाता है, काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी बताए थे आपको, है ना। आज हम उसके आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है बेटा वो हमारे सामने है, एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ये जो हमने कल काफ़ी सारे हमने जो फॉर्मूला ड्राइव किया था अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में, हम लोगों ने रिलेशन डेवलप किया था कि नहीं किया था, पहले आप लोग बताओ किया था कि नहीं किया था। तो वो कह रहा है ये जो मेथड है ना जिससे हम लोग अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन डेवलप करते हैं, तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, उसके कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ कमियाँ हैं। कुछ हद तक तो हम लोग ये काम कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड जाके हम लोग ये काम नहीं कर सकते। तो वो क्या लिमिटेशंस हैं, शुद्ध भाषा में अगर देसी में बात करूँ लिमिटेशंस का मतलब क्या कमियाँ हैं, समझ में आ रही है बात। तो कमियां क्या है सुनिएगा ध्यान से। अगर आपको याद हो मैंने आपको परसों नर्सों आपको कराया था, मैंने बोला था इफ द डिस्प्लेसमेंट डिपेंड ऑन मैंने आपको बताया था इफ द डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन एंड टाइम, है ना, देन ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन दीज फिजिकल क्वांटिटीज। तो आप ऐसे इक्वेशन बनाते थे अगर आपको याद हो तो, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन एंड टाइम पावर एक्स वाई, फिर एस इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स टी की पावर वाई, ऐसे करके आप सॉल्व करते थे, सही बोल रहा। फिर आप क्या करते थे एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते थे और फाइनली एक्स और वाई की जो वैल्यू आती थी उसे निकाल के रख देते थे और लास्ट में आपका आंसर आ जाता था, ये आता था, आपको याद है किया था हमने। बोलो भैया जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है, पहले तो ये बताओ। हाँ आ रहा है। तो हमने क्या किया, इस मेथड से पूरा फॉर्मूला डेवलप कर दिया, जबकि वास्तव में तो ये नहीं होता, वास्तव में तो ये होता है s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, वास्तव में तो ये होता है, हमने 9 10th में पढ़ा है इस बात को। बोलो भैया पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। तो इस मेथड से ए टी स्क्वायर तो आ गया लेकिन 1/2 जो था वो नहीं आया, उसकी जगह k आया। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो मेथड है इस मेथड से हम लोग कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्लियर, बाय दिस मेथड वी कैन नॉट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट। भाषा समझ में आई या नहीं आई पहले तो मुझे ये बताओ। मेरी बात को यहां पर हर कोई समझने वाला नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूं आपको, जो लोग स्टार्टिंग से यहां पर पढ़ रहे हैं वो लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। सीन क्लियर है। अगर कोई बंदा यूं सोचे कि पहले दिन दो हैंड रेज्ड है यहां पर और दोनों का आज पहला दिन है तो कछु समझ में नहीं आवेगो, पहले ही बता दूं आपको, ठीक है ना। क्लियर है ना, तो आज थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बिल्कुल फैक्ट है, समझ रहे हैं ना मेरी बात को, उसमें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो पहले पुराने नहीं आ जाए बिना तो आए ना रहो, सही है कि नहीं। खैर तो ये जो मेथड है इस मेथड से हम लोग कॉन्स्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बताओ भैया। नहीं कर सकते, राइट, क्या ये बात समझ में आ रही है। यानी बाय दिस मेथड वी कैन नॉट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट। सीन क्लियर है, आगे बढ़ू। दूसरा, इस मेथड की एक और कमी है। मैंने जब आपको बोला डिस्प्लेसमेंट डिपेंड ऑन एक्सेलरेशन एंड टाइम तो सीधे तुमने लिखा है कि ये आ गया अपना, लेकिन वास्तव में तो ये होता नहीं है, वास्तव में तो ये होता है। बोलो होता है कि नहीं होता, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। कहने का तात्पर्य इस मेथड से हम लोग ऐसे फॉर्मूलाज ड्राइव नहीं कर सकते जिनके बीच में प्लस या माइनस आता है, समझ में आ रही है बात। इस मेथड से ऐसे फॉर्मूलाज डेवलप नहीं किए जा सकते जिनके बीच में प्लस या माइनस आता है। जैसे मैं जो चाहूँ कि इस वाले तरीके से मैं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस ये बात प्रूव कर दूँ तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस फॉर्मूला में बीच में प्लस आ रहा है। भाषा समझ में आ रही है, क्लियर। दो बात, दो लिमिटेशंस हो गए, इस मेथड से कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, दूसरा इस मेथड से ऐसे फॉर्मूलाज ड्राइव नहीं कर सकते जिनके बीच में प्लस या माइनस आता है। भाषा समझ में आ रही है, आगे बढ़ूं। ओके, ये बात समझ में आती है तो अगली बात पे आता हूं। इस मेथड से ऐसे फॉर्मूलाज भी डेवलप नहीं कर सकते जिनमें साइन थीटा कॉस थीटा लॉग एक्स e की पावर x इस टाइप के टर्म्स आते हैं। क्लियर, ऐसे फॉर्मूलाज भी हम लोग इससे डेवलप नहीं कर सकते। वैसे हालांकि इस टाइप के फॉर्मूलाज आपने देखे नहीं होंगे अभी तक, अभी तक आपने बच्चे ही देखे होंगे।
केवल मैथमेटिक्स में साइन थीटा कॉस थीटा है ना, फिजिक्स में जैसे जैसे आप अभी आगे बढ़ेंगे आपको जैसे मैं पढ़ाऊंगा आगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला दिखाई देगा, टी बराबर टू यू साइन थीटा अपॉन जी। अब मैं इस फॉर्मूले को इस मेथड से अगर प्रूव करना चाहूँ तो मैं नहीं कर पाऊँगा। कल को आप पढ़ोगे हॉरिजॉन्टल रेंज आर बराबर यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, तो इन फॉर्मूलाज में क्या आ रहे हैं, साइन आ रहे हैं ना, क्लियर है। तो ऐसे फॉर्मूलाज जिनमें साइन थीटा कॉस थीटा लॉग एक्स ई की पावर एक्स इस टाइप के टर्म्स आए तो उन्हें आप इस मेथड से प्रूव नहीं कर पाएंगे। भाषा समझ में आई मेरी, सीन क्लियर है। एक और लिमिटेशन, इस मेथड से हम लोग ये बात भी पता नहीं कर सकते हैं कि इसमें जो क्वांटिटीज लिखी गई हैं वो स्केलर क्वांटिटी हैं या वेक्टर क्वांटिटी हैं। बात समझ में आई। तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा आप सब लोग फिर से, ठीक है। पहला, इस मेथड से कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। दूसरा, इस मेथड से ऐसे फॉर्मूलाज डेवलप नहीं कर सकते जिनके बीच में प्लस या माइनस आता है। तीसरा, इस मेथड से ऐसे फॉर्मूलाज भी डेवलप नहीं कर सकते जिनमें साइन थीटा कॉस थीटा लॉग एक्स ई की पावर एक्स इस टाइप के टर्म्स आते हैं, क्लियर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट ये है कि इस मेथड से हम लोग ये बात भी पता नहीं कर सकते कि इसमें जो दी गई क्वांटिटीज हैं वो स्केलर क्वांटिटीज हैं या वेक्टर क्वांटिटीज हैं। सीन क्लियर है। तो जल्दी से फटाफट लिमिटेशंस पढ़ लो, पूछूंगा आपसे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है उसमें बोल रहे हैं द डिस्टेंस एक्स इन मीटर ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज गिवन बाय द इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू ए टी माइनस बी टी स्क्वायर। अच्छी बात है, ए टी माइनस बी टी स्क्वायर, ठीक है। Where A and B are constant and time T is in seconds. Using method of dimensions, find the units of A and B. Find the units of A and B. तो listen everyone, ध्यान से सुनिएगा इस question को। Competitive exam में इस type की दुनिया भर के question आते हैं, है ना। हालांकि आपके जो schools में exam होंगे उसमें इस type के शायद ही आए, या आ जाए अच्छे standard का paper बनाया तो आ सकते हैं। आप में से जो लोग सीबीएसई बोर्ड वगैरह में, उनको आ सकता है, राइट। तो देखिएगा ध्यान से सभी लोग। एक पहेली पूछूं आपसे, पूछूं बताओ, पांच आम प्लस आठ केला बराबर कितने केला। क्वेश्चन समझ गए। पांच आम प्लस आठ केला बराबर कितने केला। जवाब दो, जवाब दो बबुआ, क्या हुआ। गले में खिचखिच। लेंगे विक्स की गोली, लेंगे लेंगे। तो पांच आम प्लस आठ केला बराबर कितने केला। तो कई लोगों के दिमाग में घंटी सी बज रही होगी, चिका सवाल है जो तो बवाल है, क्लियर। लिसन एवरीवन, क्योंकि हमको मालूम है पांच आम प्लस आठ केला इसको जोड़ा नहीं जा सकता, क्लियर। हाँ, अगर मैं यहां लिख तो कि पांच केला प्लस आठ केला बराबर क्या केला, तो तुम बोलते तेरा खेला, क्लियर। सही बोल रहा हूं, बोलो। यानी यानी कहने का तात्पर्य यह है, दो चीजों को तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है जब उनके यूनिट्स सेम हो। पांच और आठ तेरह कर पाऊंगो, लेकिन कब कर पाऊंगो, जब झूं केला हो, झूं केला हो तभी केला मिलेंगे। अगर यहां में आम लिख देंगे तो ये जुड़ नहीं पावेगा। समझ में आ रही है बात। मैं एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसी चीजों को जोड़ा या घटाया जा सकता है जिनके यूनिट सेम होते हैं। समझ में आ रही है बात। आम में आम ही जुड़ेंगे, केलन में केले ही जुड़ेंगे। समझ में आ रही है बात कि ना नहीं आ रही है। तुम यो सोचो मैं जाए जोड़ दूं, पांच किलोग्राम प्लस तीन मीटर बराबर कितने मीटर, तो जाए जोड़ लेगा का है। किलोग्राम में मीटर जोड़ ले, नहीं जोड़ पाओगे। किलोग्राम में किलोग्राम ही जुड़ेगा। बोलो, बोलते क्यों नहीं हो, बोला, क्लियर है। समझ में आ रही है बात।
बेटा ये आम केला नहीं कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर लेना, तो अगला क्वेश्चन समझ में आएगा वरना बम्पर हट जाएगा। लेसन जो समझाने की कोशिश करना, इस बात को समझो, ऐसी क्वांटिटीज को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है जिनके यूनिट सेम हो। यहाँ किलोग्राम है, ये मीटर है, तो ये जुड़ नहीं पावेंगे। हाँ, या तो मैं जाए किलोग्राम कर दूं तो किलोग्राम किलोग्राम जुड़ेंगे तो किलोग्राम में आंसर आ जाओ, या फिर जब मीटर करूं जब मीटर करूं तो जे मीटर में आंसर आ जाओ। समझ में आ रही है बात? यानी मैं बार बार चिल्ला चिल्ला कर आपसे ये कह रहा हूं कि ऐसी क्वांटिटीज को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है जिनके यूनिट्स सेम होते हैं। समझ में आई बात? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? दिस इज एन कॉन्सेप्ट, क्लियर टू यू गाइज? बोलो। तो हमने अभी अभी ये समझा कि ऐसी चीजों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है जिनके यूनिट सेम हो या डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो, राइट? अब आप गौर से देखिए, यहां पर उसने हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है? उसने क्वेश्चन में हमसे बोला है कि डिस्टेंस है, डिस्टेंस को यहां पर एक्स से डिनोट कर रहा है। वो कह रहा है ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस इस टाइम पे डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। क्लियर? ओके, समझ में आ रही है बात? अब वो कह रहा है यहां पर ए और बी क्या है, कांस्टेंट है, ऐसा बोल रहा है। उसने क्वेश्चन में बोला है ए और बी क्या है, कांस्टेंट है। उसने क्वेश्चन में बोल रखा है इस बात को कि ए और बी कांस्टेंट है, टी टाइम है, एक्स डिस्टेंस है। उसने बोला है क्वेश्चन में एक्स डिस्टेंस है मीटर में, है ना? तो कह रहा है ए और बी की यूनिट क्या होंगी। क्लियर? ए और बी की यूनिट्स क्या होंगी? तो भैया यूनिट पुनिट तो कोई तेल लेने, अपने को ज्यादा समझ में नहीं आता, अपने को इतना समझ में आता है 5 केला + 3 केला = 8 केला। इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए। क्लियर? इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए थोड़ा सा। 8 केला = 5 केला + 3 केला। समझ में आई बात? सीन क्लियर है? इधर देखिए तेरा गौर से, अगर यहां केला है तो यहां भी केला है और यहां केला है तो यहां भी केला है। क्या ये बात समझ में आई आपको? लिसन एवरीवन, तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो इक्वेशन लिखी है तो जो यूनिट इसकी होगी वही यूनिट इसकी होगी, यस और नो? जैसे इसकी यूनिट केला है तो इसकी यूनिट भी केला है, इसकी यूनिट भी केला है। तो इसका मतलब ये हुआ जो यूनिट एक्स की होगी वही यूनिट एटी की होगी। क्या ये बात समझ में आई? बोलो। हाँ, मैंने अभी जो लिखा है वही आपके नोट्सों में लिखा है। वी नो दैट Only those quantities can be added or subtracted which are having the same unit and same dimension formula. That is why we can say the unit of x is equal to unit of at. Got it guys? Step समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ पहले मुझे। आगे की बात तो बहुत बात की, इतने step समझ में आ गया? तो बात जाके बात जा, मैंने बच्चों कछुआऊ का कछुआऊ। तो आप देखते हैं, गौर से देखिएगा। यूनिट ऑफ एक्स, सिंपल एक्स लिख दिया, डिस्टेंस है 80। आ जा भैया, ए ए की वैल्यू निकालनी है ना हमें, टी को नीचे ले आया तो ए बराबर कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ए बराबर एक्स अपॉन टी, बोलो। तो ए बराबर मैंने तान दिया एक्स अपॉन टी। आ जा भैया, एक्स डिस्टेंस है, डिस्टेंस काय में नपती है, मीटर में। टी टाइम है, काय में नपता है, सेकेंड। आ गई ए की यूनिट मीटर पर सेकेंड, ये ए की यूनिट आ गई। डायमेंशन फॉर्मूला भी चमका दो, मीटर लेंथ होता है तो लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला एल, सेकेंड टाइम होता है, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला टी। सीन क्लियर है? टी पे पावर कुछ नहीं है तो 1, एल पे पावर कुछ नहीं है तो 1, टी की पावर 1 ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, -1। तो ए इज इक्वल टू L1 t -1। कहानी समझ में आ गई भैया? ये ए की यूनिट भी आ गई, डायमेंशन फॉर्मूला भी आ गया। समझ में आई बात है ना? इसी तरीके से हम बी की यूनिट भी निकालेंगे और डायमेंशन फॉर्मूला भी निकालेंगे बी की। ठीक है, तो देखते हैं इसको भी। लुक एवरीवन, अब मुझे बी की वैल्यू निकालनी है तो भैया सेम इसी तरीके से कर लो। देखिए इधर, यूनिट ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जो यूनिट इसकी होगी वही यूनिट इसकी होगी, इज इक्वल टू यूनिट ऑफ बी टी स्क्वायर। स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, कोई ठेकाना नहीं कि ऐसे ही रखूं, कोई ठेका नहीं है, ऐसे भी रख सकता हूं। यूनिट ऑफ बी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी तो लिख सकता हूं, यूनिट ऑफ ए टी भी लिख सकता हूं, यहां पर उससे भी सेम आंसर आएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, ये भी केला है, ये भी केला है, ये भी केला है। कहानी समझ में आ रही है? सबकी यूनिट सेम होती है। ऐसी क्वांटिटीज को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है जिनके यूनिट सेम होते हैं।
नहीं है बात समझ। तो जो डायमेंशन बी टी स्क्वायर की होगी वही डायमेंशन ए टी की होगी, वही डायमेंशन एक्स की होगी। तो मैंने लिख दिया यूनिट ऑफ एक्स इज इक्वल टू यूनिट ऑफ बी टी स्क्वायर, या आप ऐसे लिख देते हो डायमेंशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, 100% करेक्ट है। सीन क्लियर है, बात समझ में आ रही है कि ना नहीं आ रही? आ रही है, आ जाओ तो फिर इतने आओ। एक्स बराबर बी टी स्क्वायर, टी स्क्वायर तरे में ले आऊंगो तो बी बराबर कहा जाएगी, बोलो बी बराबर कहा जाएगी, एक्स अपॉन टी स्क्वायर, टी स्क्वायर नीचे आ जाएगा ना, तो बी इज इक्वल टू मैंने लिख दिया एक्स अपॉन टी स्क्वायर, तो बी इज इक्वल टू एक्स डिस्टेंस है काय में नपेगा मीटर में, टी टाइम है सेकेंड में, ये आ गई यूनिट। क्लियर, ऐसे नहीं लिख सकता, एस की पावर टू ऊपर जाएगा तो माइनस टू, ये भी यूनिट ही है। बोलो भैया चलूँ आगे, डायमेंशन फॉर्मूला बता भैया, डायमेंशन फॉर्मूला मीटर को कहाँ होगा, मीटर को डायमेंशन फॉर्मूला एल, सेकेंड टाइम है टाइम को डायमेंशन फॉर्मूला टी, पावर माइनस टू है तो माइनस टू, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा सभी को, सीन क्लियर है, फटाफट अपने नोट्सों में देख ले फिर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमारे सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें वो बोल रहा है कि पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। इसको हम लोग वांडरवाल इक्वेशन बोलते हैं, वांडरवाल साइंटिस्ट का नाम है, पढ़ लिया कि केमिस्ट्री में, अभी दर्शन नहीं किए होंगे इसके आपने, आज पहली बार देख रहे हैं, कोई बात नहीं, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आप लोग, ये केमिस्ट्री वाले सर आपको पढ़ाएंगे, वांडरवाल गैस इक्वेशन है ये, राइट, पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। तो वो कह रहा है यहां पर ए और बी जो है, ए और बी ये दिख रहा है ना आपको, ये बी है और ये ए है, ए और बी यहां पर कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला बता दो और इसकी यूनिट बता दो। क्लियर है, इस कांस्टेंट का यूनिट बता दो और इसके डायमेंशंस बता दो। क्लियर, और यहां पर वो साथ साथ आपको ये भी बोल रहा है कि यहां पर पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, ये वी और ये वी वॉल्यूम है, आर गैस कॉन्स्टेंट है और टी यहां पर टेम्परेचर है, टी यहां पर क्या है टेम्परेचर है। तो चलिए करते हैं हम लोग इसको, करें शुरुआत भैया, बोलो भैया, चलो अच्छी बात है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। लुक, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ऐसी क्वांटिटीज को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है जिनके यूनिट्स और डायमेंशन फॉर्मूला सेम होते हैं, सांची कह दई, बोलो, चलो ठीक है, रुको, लिसन एवरीवन, सब लोग इधर देखना, थोड़ा सा अपन रफ वर्क कर रहे हैं, पी प्रेशर है ना, प्रेशर अपन साइड में अपना, कई बार जब आप मैथमेटिकल सॉल्यूशन करते हैं तो कुछ रफ वर्क करते हैं ना, रफ वर्क, तो रफ वर्क कर रहा हूं ताते तुमने लक्षण थे समझ जाओ, नहीं तो कैसे करा दो, का करा दो अजय, क्लियर, ये सब करा चुका हूं आपको पहले, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, जानते हैं, पढ़ा चुका हूं प्रेशर का यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला निकलवाया आपको है, ठीक है, फोर्स का मैंने आपको बताया था डायरेक्ट एम एल टी माइनस टू, मालती टू याद आ रहा है फोर्स का, बोलो, या फिर मास इनटू एक्सेलरेशन करके भी कर सकते हैं, चाहे जैसे कर लो, एरिया, एरिया मीटर स्क्वायर में नापते हैं तो एल स्क्वायर कर दूं, या लेंथ इनटू ब्रीथ से भी कर सकते हैं, चाहे जैसे कर लो, समझ में आया एरिया का एल स्क्वायर कैसे हो गया, बोलो भैया, अच्छी बात है, एल से स्क्वायर कट जाएगा तो ये आ जाएगा एम, एक एल बचा है, एल की पावर वन ऊपर जाएगा तो एल माइनस वन, टी की पावर माइनस टू, ये प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया भैया, प्रेशर का ऐसा अपन ने पढ़ा था, स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया अपन ने, लगता है मुझे ऐसा सही लग रहा है, वॉल्यूम भी पढ़ा था मैंने यार, वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने पढ़ा था, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला, लेंथ मीटर में नपती है तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी एल, बी ब्रीथ है, ब्रीथ भी मीटर में नपती है तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला भी एल, हाइट मीटर में नपती है तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला भी एल, सही जा रहा हूँ मैं, बोलो भैया मेरी आवाज़ तो सुनाई दे रही है ना आपको, एल एल ए, तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया एल क्यू, जो मैंने किया समझ में आया आपको, ये रफ वर्क है आपका, ठीक है, वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला हम सब लोग जानते हैं एल क्यू, प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला हम सब लोग जानते हैं एम एल माइनस वन टी माइनस टू, कैसे हमने पाया समझ में आया, अब आ जाओ इधर, अब हम ये हमने रफ वर्क किया, अभी हमने कुछ किया ही नहीं है, अब सुनो ध्यान से,
वो बोल रहा है कि ये एक इक्वेशन है, यहाँ पे पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है और ए और बी कांस्टेंट है। तो वो कह रहा है ए और बी की डायमेंशंस बता दो, ए और बी की डायमेंशंस बता दो या डायमेंशन फार्मूला बता दो, एक ही बात है। तो भैया मुझे मालूम है, रोज पढ़ रहा हूँ, ऐसी क्वांटिटीज को ही जोड़ा जाए घटाया जा सकता है जिनके यूनिट और डायमेंशन फार्मूला सेम होते हैं, जिनके यूनिट और डायमेंशन फार्मूला सेम होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि जो डायमेंशन फार्मूला पी का होगा वही डायमेंशन फार्मूला ए अपॉन वी स्क्वायर का होगा। बोलो भैया सही बोल रहा हूँ, यानी मैंने यहाँ पर लिखा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पी इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए अपॉन वी स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों को जोड़ा जा रहा है ना। अगर जोड़ा जा रहा है तो इसका मतलब जो डायमेंशन फार्मूला पी का होगा वही ए अपॉन वी स्क्वायर का होगा। ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो मुझे बताओ, आएगा समझ में है? तो इसे ऐसे लिख दूं, पी बराबर ए अपॉन वी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ए बराबर क्या हो जाएगा, पी वी स्क्वायर। स्टेप समझ में आ रहे हैं? प्रेशर, प्रेशर पढ़ा था हमने स्टार्टिंग में ही, डायमेंशन फॉर्मूला प्रेशर का ये होता है, तो मैंने टांग दिया यहां पर ML माइनस वन टी माइनस टू, कहाँ से आ गया, समझ में आ गई होगी अब तो, क्या अभी उन्होंने आई क्लियर। V हवा जाए जम्पे ला के डायरेक्ट लिख देते तो अपनी तो हवाइयाँ उड़ जाती, तोते उड़ जाते अपने तो, नहीं क्लियर। वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या है, एल क्यूब, तो वॉल्यूम की जगह मैंने एल क्यूब रखा और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। तो गौर से देखिएगा आप लोग बेटा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू एल क्यूब का स्क्वायर है, तो पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर का मल्टीप्लाई ही हो जाता है, तो एल की पावर सिक्स हो जाएगा ये। बोलो भैया को एल की पावर नौवा वारो तो ना ना जावे, नौवा वारो नाइन, थ्री का स्क्वायर नाइन, करपटी ले रह जाएगी क्लियर। पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो थ्री टू से सिक्स, ए इज इक्वल टू एम, बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो L की पावर 6 और L की पावर माइनस वन, तो L की पावर 5 हो जाएगा और T माइनस टू भैंसों की भैंसों। क्या ये बात समझ में आई भैया, ये A का डायमेंशन फार्मूला आ गया, A की डायमेंशन आ गई क्लियर। समझ में आई बात कि ना नहीं आई? अब मुझे किसकी डायमेंशन निकालनी है, B की। किसकी डायमेंशन निकालनी है बेटा, B की। तो आ जाओ भैया B की डायमेंशन निकाल लूँ, तो जो मुझे दिख रहा है इसको इसमें से माइनस कर रहे हो है ना, तो मुझे मालूम है ऐसी क्वांटिटीज़ को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है जिनके यूनिट या डायमेंशन फार्मूला सेम होते हैं। तो इसका मतलब डायमेंशंस ऑफ वी, इधर लिख रहा हूं मैं, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वी इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बी। क्या ये बात समझ में आई? बोलो भैया, यानी यू मीन टू से वी इज इक्वल टू बी, बोलो बबुआ बोलो। और वॉल्यूम तो मैं पहले ही तान चुका हूं, एल क्यू, तो B बराबर क्या आ गया बेटा अपना, एल क्यू, ये आ गया B का डायमेंशन फार्मूला। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, समझ में आए नहीं आया आए देख लो फटाफट फुर्ती में, फिर आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने जो हमको बोला है वो कह रहा है एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, वी इज इक्वल टू ए प्लस बी टी, ए प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी, ठीक है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए बी सी एंड डी, कह रहा है ए बी, ए की डायमेंशन बता दो, बी की डायमेंशन बता दो, सी की बता दो और डी की बता दो, क्लियर। वो कह रहा है स्पीड ऑफ अ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन टाइम, ये टी टाइम है क्लियर। तो कह रहा है वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन टाइम अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी, मतलब इनके डायमेंशंस की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। तो मुझे मालूम है केवल वही क्वांटिटीज़ को जोड़ा या घटाया जा सकता है जिनके यूनिट और डायमेंशन फार्मूला सेम है, एग्री करते हैं आप लोग? बोलो भैया। तो थोड़ा सा मैं यहाँ रफ वर्क कर रहा हूँ आप लोगों की बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए, है ना। मैंने पढ़ा है बचपन में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सुना है आप लोगों ने कभी जिंदगी में? बोलो, डिस्टेंस मीटर में नपता है, डिस्टेंस मीटर में नपता है, बोलो भैया नपता है कि नहीं नपता डिस्टेंस मीटर में? और डिस्टेंस अगर मीटर में नपता है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा डिस्टेंस का?
एल, राइट। एल क्यों लिखा समझ में आया? टाइम का कैपिटल टी, पावर कुछ नहीं है तो वन, टी की पावर वन ऊपर ले जाऊंगा तो टी की पावर माइनस वन, ये क्या आ गया? डायमेंशन फॉर्मूला आ गया वेलोसिटी का, ठीक है। जगह जगह जरूरत पड़ेगी, लिखता जाऊंगा धड़ाधड़, ठीक है। चलो आ जाओ, मैं इस सवाल को सॉल्व करता हूँ। वो कह रहा है वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन दिस इक्वेशन, देन कैलकुलेट द डायमेंशंस ऑफ ए बी सी एंड डी। चलो आ जाओ, एक बार बताओ ए का डायमेंशंस किसके बराबर होगा? वी के बराबर होगा, यस और नो? तो मैं लिख रहा हूँ, गौर से देखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वी इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वी, वी को मैं पहले ही निकाल चुका हूँ, एल टी माइनस वन बराबर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए। तो ये ए लिख दिया, आ गया ए का डायमेंशनल फॉर्मूला, आ गया ए बराबर एल टी माइनस वन, पहला आंसर आ गया मेरा ए बराबर। अब मुझे निकालना है बी, राइट। बी सेम फंडा फिर लगाऊंगा बी के लिए, तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका होगा वही इसका होगा। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वी इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी टी। स्टेप समझ में आ रहे हैं आपको? बोलो। अच्छा, किसी भाई बहन का ज़्यादा मन नहीं लग रहा हो, उसको ये लग रहा है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी टी ये लिख दिया तो बराबर। मैं चाहूँ तो यहाँ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए भी लिख सकता हूँ, उससे भी करेक्ट आंसर आएगा आपका। समझ में आ रही है बात? क्योंकि ये दोनों जुड़ रहे हैं, तो जुड़ तो तब ही रहे होंगे ना जब दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो। समझ में आई बात? अगर कोई ए से भी करता है यहां पर तो वो करेक्ट है, 100% करेक्ट है, क्लियर है? बोलो। चलो फिर मैं आगे, तो आ जाओ। वेलोसिटी को पहले ही तान चुके हैं, एल टी माइनस वन इज इक्वल टू बी टी, ठीक है। अब अपने को बी की वैल्यू चाहिए, तो देखो जरा, एल टी माइनस वन तो ये हो गया हमारा। अब ये टी टाइम है, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल टी, और ये कैपिटल टी यहाँ से कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। स्टेप समझ में आ रहे हैं भैया कि नहीं आ रहे, बताओ? अब ये टी की पावर वन है, ऊपर जाएगा तो टी की पावर माइनस वन हो जाएगा। देखो एल टी माइनस वन तो पहले से है, टी की पावर वन ऊपर गया तो टी की पावर माइनस वन हो गया, तो बी बराबर हो जाएगा एल टी की पावर माइनस वन माइनस वन माइनस टू। ये आ गया आपका बी का डायमेंशन फॉर्मूला। समझ में आ रही है कि ना नहीं आ रही? बोलो भैया, सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? ए की वैल्यू आ गई अपनी, बी की वैल्यू आ गई अपनी, दिखाई दे रहा है आपको ये लिखा है जो पूरा? बोलो भैया, आगे बढ़ते हैं। अब आप गौर से देखिए थोड़ा सा इधर, डी और टी को भी जोड़ा जा रहा है, इन दोनों को जोड़ा जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डी इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टी। तो डी इज इक्वल टू, ध्यान रखना ये डी कांस्टेंट है, डिस्टेंस मत समझने लगना इसको, उसने पूछा ए बी सी डी है ना। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टी, टी टाइम होता है तो टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल टी। आ गया डी की वैल्यू, तीन आ गए हमारे, ए आ गया, बी आ गया, डी आ गया। अब हमको चाहिए वैल्यू सी की। समझ में आ रही है बात? आई की वैल्यू चाहिए सी की, देखते हैं सी को। इसका डायमेंशन फॉर्मूला बराबर इसके, इसका डायमेंशन फॉर्मूला बराबर इसके, और इस पूरे का डायमेंशन फॉर्मूला बराबर इसके। यानी कहने का तात्पर्य यह है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वी इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सी अपॉन डी प्लस टी। क्या ये बात समझते हो आप लोग? हैं, दिमाग में करंट लगेगा आवाज एक मिनट के बाद, इसलिए ढंग से देख लेना, ठीक है। आ जाओ, वेलोसिटी, वेलोसिटी का हो गया एल टी माइनस वन बराबर, ठीक है। डायमेंशन, अब मुझे सी की वैल्यू चाहिए, तो सी अपॉन, गौर से देखिएगा, डी प्लस टी, ठीक है, डी प्लस टी। तो मैं एक काम करता हूं, एल टी माइनस वन तो ये हो गया, रुको अभी लो, चलो लिख देता हूँ, एल टी माइनस वन इज इक्वल टू सी अपॉन डी प्लस टी, डी प्लस टी, डी प्लस टी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर पहुँचा दूँ तो सी बराबर हमारा क्या हो गया, एल टी माइनस वन डी प्लस टी। क्या इस बात से एग्री करते हैं यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत? बोलो, नहीं है। दिक्कत अब आवेगी,
एल टी माइनस वन बैसो की बैसो, ठीक है, गौर से देखना आप। पहले मैं एक सवाल बताऊं, मेरे एक सवाल का जवाब दो। 5 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड बराबर कितने सेकेंड? 7 सेकेंड है, 7 सेकेंड ये कहना चाहते हो? तो सुन ले लल्ला, 5 और 2 तो जोड़ दे 7। आपका सेकंड सेकंड करके सेकंड को स्क्वायर करवाया का, सेकंड तो एक ही बेर, जो सेकंड है जो दो दो बेर सेकंड आ रहा है, लेकिन लिखो तो तुमने एक ही बेर सेकंड है ना, एक ही बेर लिखो ना, आ जाओ इधर। ये तो एज इट इज दिया, डी प्लस टी, इधर देखो, डी डी काय के बराबर है, टी के बराबर है टाइम, यानी ये टाइम है, ठीक है, और ये भी टाइम है, तो टाइम प्लस टाइम 2 टाइम्स आया टाइम का, तो टाइम की यूनिट तो एक ही बार लिखी जाएगी, तो टी लिखा जाएगा ना, ये भी टाइम है, डी बराबर टी के, तो ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, टाइम में टाइम जुड़ेगा तो टाइम ही तो आएगा, नहीं यही बात है। 2 सेकंड में 5 सेकंड में 2 सेकंड जोड़े तो 7 सेकंड, मुझे नंबरों से मतलब नहीं है, मुझे यूनिट से मतलब है, तो सेकंड में सेकंड जोड़ेंगे तो सेकंड ही तो आएंगे, इसी तरीके से टाइम में टाइम जुड़ेगा तो टाइम ही तो आएगा। और अगर आप 2t भी लिखते हो तो 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का तो कोई यूनिट होता नहीं है, तो चाहे जैसे देख लो बात वही आवेगी। नहीं आई मेरी बात समझ में, बोलो भैया बात समझ में आई कि नहीं आई? धन्यवाद, थैंक यू। टी पे पावर कुछ नहीं है तो कितनी मानूं? 1, क्लियर। तो सी बराबर आपका आ गया एल टी माइनस 1, ओके, और ये बेटा आपका हो गया क्या, टी की पावर प्लस 1, कुछ नहीं है तो 1, तो बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, तो माइनस 1 प्लस 1 0, तो टी की तो कहानी खत्म है गई, सी काय के बराबर आएगा, एल के बराबर आएगा। समझ में ही नहीं आई कौए में ही बात, बोलो भैया सीन क्लियर है? सी बराबर एल कैसे आ गया, तंत्र पढ़ रहा हो कि ना पढ़ रहा हो? पढ़ रहा हो है, तो जल्दी से देख लो फटाफट सॉल्यूशन पूरा, चलो डू इट फास्ट। ठीक है, तो फिर आज के लिए हम लोग वाइंड अप करते हैं, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस, जय हिंद।